यहाँ हो रहा है खीर के लिए। और ये मैं मारना शुरू कर दूंगी, याद रखना, ज्यादा बदमाश। वो कौन है कि जो फिर जिस दांत टूटेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जानवी की दुनिया। सो आज का व्लॉग है राखी का व्लॉग, और साथ ही साथ अंश का बर्थडे भी है। बाहर वो कर रहा है बदमाशी, तो मैं जा रही हूँ उसको राखी बांधने की, क्योंकि हमारे पास कोई तो है नहीं राखी बांधने के लिए। तो उसकी मौसी ने राखी भेजी है, तो वो राखी मैं उसको बांधूंगी। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पहन लिया है नॉर्मल से कुर्ता, तो जा रही हूँ फटाफट उसको बांधती हूँ, देन बाकी बात हम लोग बाद में करते हैं। खाना मैंने बना लिया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ अंश के बर्थडे के लिए। ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब से बारिश हो रही है, और अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं। लाइक सुबह से मेरा व्रत हो चुका है, तो शाम में बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होने वाली है, डेकोरेशन वाला आने वाला है, तो डेकोरेशन भी कराना है, तो बाकी बात बाद में करते हैं। इधर हो रही है अंश भाई साहब की बदमाशी। क्या खा रहे हो तुम? गाइस क्या खाया तुमने? तुम्हारी बदमाशी खत्म नहीं होगी ना? हाँ कूदो आप घोड़ा की तरह। हाँ गुस्सा 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 गुस्सा, सिर्फ गुस्सा रहता है नाक पे। बहुत जोर से बारिश हो रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही है, बारिश लाइक इतनी जोर से हो रही है। यहाँ पर तेल हो गया है गरम। मैंने खाना खा लिया है, और फिर से वहाँ पर एक ड्रॉर खुल रहा है। खाना खा लिया है, अंश को लग रहा है तेल। मैंने उसके साथ एक रील भी नहीं बनाई, इतना ज़्यादा भूख लगा था। फिर वो दिमाग ख़राब हो जाता है भूख के कारण, अगर आप ना खाओ तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, किस किस के साथ ऐसा होता है बताइएगा ज़रूर। तो अभी उन्होंने खा लिया, मैं जा रही थोड़ा सा रेस्ट करने, उसके बाद आएगा डेकोरेशन वाला है, तो डेकोरेशन करवानी होगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अंश की जो मैंने क्लीन करवाई थी लगवाने के लिए डेकोरेशन में, मैंने आई थिंक इसको स्टेटस पे भी डाला है इस बार,
तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से क्लीन होके आई है। ये उसकी फर्स्ट डे की है, मतलब ये सारे पिक्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो जिस जब जब ये उस मंथ उसके बर्थडे कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे उसका उसको खाना खिला रहे हैं हम लोग। फर्स्ट डेकोरेशन वाला नहीं आया है, आई डोंट नो कब तक आएगा, बट आता ही होगा, तो वेट कर रही हूँ मैं उनका और फिर बाकी काम होने वाले आ गए हैं। और अभी घड़ी में आपको बता नहीं सकती, 5:30 हो गए, लाइक 6 बजने ही वाले हैं और अभी डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। आज का मूड मेरा इतना ख़राब हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर ली थी, लेकिन होता ना एंड वक्त पे सब ख़राब हो जाता, तो बस वही वाली कंडीशन हुई। तो मेरे अब चेयर्स अवेलेबल नहीं थे लोगों को बिठाने के लिए, तो चेयर्स अभी आएंगी लाइक सुबह से। तो मेरा मूड इतना ख़राब हुआ है ना अभी शाम से, अभी डेकोरेशन होने स्टार्ट हुई है, तो वो तो जल्दी कर देंगे, आगे तो कर ही देंगे। और बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले मैनेज करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने एकदम उतर गया है। क्या देख रहे हो, खा लिया? लेकिन जो बेटे हमारा रेडी हो चुका है। आपने नाटक तो इतना कि पूछिए मत। अब बस जा रही हूँ, फटाफट मेकअप करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि वैसे ही 7 बज चुके हैं, लोग आते ही होंगे और गेस्ट ही तैयार नहीं। ओ माय गॉड, गेस्ट बोल रही हूँ, होस्ट ही तैयार नहीं है। सो लेट्स गो।